दूध तो बुलबुल का फेवरेट है, बिल्कुल हमारी तरह। इसके लिए लेकर जाते हैं, खुश हो जाएगी। नहीं, नहीं। भोलेनाथ जी जरूर मेरी बात सुनेंगे और तुम मेरी मम्मी नहीं बनोगी। नादान बच्चे, मेरी शादी के जोड़े में आग लगाएगी तू, इतनी हिम्मत। सजा के तौर पर मैं तुझे ऊपर चढ़ाऊंगी और ऊपर से नीचे पटकूंगी। छोड़ दो हमें, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज। अब तुझे वहां से नीचे पटकूंगी मैं। नहीं, उतारो हमें, प्लीज उतारो हमें। ये कैसे? कौन है वहां? किसने बचाया तुम्हें? किसने? चाकोरा के साया मार सके ना कोई, ऐसा दादी कहती है। मेरी शादी का जोड़ा खराब किया। कहाँ जा रही थी? वो दूध, बुलबुल के लिए दूध लेकर जा रहे थे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बच्ची को संभालने का नाटक करते करते देव के करीब आ जाओगी तो गलत फहमी में मत रहना। शादी होने वाली है मेरी, उससे दूर रहो। हाय, अब हम देव से कैसे दूर रहे? सपनों में आते हैं ना वो हमारे। क्या बकवास कर रही हो तुम? हम? और नहीं तो क्या। अरे, आप दोनों की शादी करवा रहे हैं हम।
साथ सजावट के बारे में, खाने का मेनू, ये सब सपनों में आता है हमारा। दिन भर यही सब सोचते रहते हैं ना हम। क्यों, आपने क्या सोचा? हे राम, ये क्या हुआ? शादी का जोड़ा जल गया? नहीं, दुल्हन की शादी का जोड़ा ही जल गया शादी से पहले। ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है। पर फिकर नाट, हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। हम आते हैं। ये क्या हुआ? ये तो भोलेनाथ का लॉकेट है ना, हम ये पहना रहे थे। हम तो भूल ही गए थे। तुम तो चुड़ैल हो, तुम तो चुड़ैल हो। कुछ देना है तो सोने चांदी हीरो का, तो ये लोहा मुझे पसंद नहीं। ठीक है, सोने चांदी का लॉकेट बनवा लेंगे आपके लिए, क्योंकि इस पूरी शादी की जिम्मेदारी हमारे सर पे है ना, तो हम नहीं चाहते कि इस शादी को किसी की भी बुरी नजर लगे। क्योंकि अगर इस शादी को बुरी नजर लग गई तो हमारा बदला किससे पूरा होगा? आइए, चलिए चलिए, बजाइए बजाइए, शादी वाला घर है। ये सब क्या है रूपा? तो हम क्या करें आंटी जी? अब दूल्हा और दुल्हन इसी घर में है, माना कि मॉडर्न जमाना है, लेकिन रीति रिवाज तो पुराने चलेंगे ना। तो हम शादी में कोई कमी ना हो, इसके लिए सारे शगुन एक ही जगह लेके आ गए। ठीक किया ना? वाह, कुछ भी कहो, लड़की में दिमाग बहुत है, है? वैसे आप सब लोग जानते हैं कि मुझे तामझाम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक सिंपल सीधी शादी शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे देव बाबू, बड़े स्वार्थी हैं आप। माना कि शादी लड़का और लड़की की होती है, लेकिन इससे सपने तो पूरे परिवार के जुड़े होते हैं ना। तुम तो बोलोगी, क्योंकि क्या ना कि शादी का जितना बजट बड़ा होगा उतनी तुम्हारी जेब भरेगी। तुम्हें सिर्फ अपने मुनाफे की पड़ी है, तो सेल्फिश हम नहीं, तुम हो। बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं आप देव बाबू। माने हम आपकी शादी के लिए अच्छे अच्छे तरीके दिखा रहे हैं, और आप हैं कि हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं। शुरुआत किसने की? शुरुआत? अरे बस बस बस, शांत हो जाओ। देखो देव, रूपा बिल्कुल सही कह रही है, कोई भी शादी बिना रीति रिवाज के अच्छी नहीं लगती बेटा। और ये खिलौने किस लिए? वो क्या है ना मोहिनी जी, हमारी नानी के गांव में ना ये रस्म होती है कि शादी में छोटे छोटे प्यारे प्यारे से खिलौने आते हैं बच्चों के लिए, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शादियों में ऐसे ही खिलौने दिए जाते हैं। मगर इस घर में तो सब लोग कितने मासूम हैं, सब लोगों का दिल बच्चों की तरह साफ है, तो हमें लगा कि सबको ये खिलौना बांट दे। ठीक किया ना हमने? हाँ, तुम मेरी बात। अरे आप लोग शांत क्यों हैं? शादी वाला घर है भाई, बजाइए ढोल बजाइए।
ये आपके लिए, ये आपके दिल की धड़कन हमें आकर सुनाएगा। से क्या हो गया? लगता है मोहिनी की वजह से अब तक परेशान है बेचारी। मैं कितनी बार कहूं कि मुझे मोहिनी आंटी मेरी मम्मी नहीं चाहिए, आप सुनते क्यों नहीं हो? मुझे रूपा आंटी पसंद है। बुलबुल, क्या हो रहा है? मैं आटे से भोलेनाथ जी की शिवलिंग बना रही हूँ। 108 शिवलिंग बनानी है मुझे। 108 शिवलिंग? हाँ, दादी ने कहा था अगर सब शिवलिंग बना के अगर सच्चे दिल से कुछ मांगोगे तो भोलेनाथ जी वो जरूर पूरा करेंगे। तो आपने क्या मांगा? आपको। मतलब? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? मुझे मोहिनी आंटी बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि पापा के साथ उनकी शादी हो। हम भी नहीं चाहते कि मोहिनी तुम्हारी जिंदगी में, फिक्र करते हैं तुम्हारी, पर क्यों, क्यों इस बच्ची से इतना गहरा रिश्ता लगता है हमें? और मैंने मांगा कि सिर्फ आप ही मेरी मम्मी हो। मंत्री तनिक हमारी बात तो सुनिए। हाँ, हम आपसे ये कह रहे थे, हम आपको फोन करते हैं। अरे वाह, साड़ियां पसंद की जा रही हैं। ये क्या तरीका है, नॉक करके नहीं आ सकते? वैसे हमसे कैसी शर्म। अरे अरे, कौन सी साड़ी पसंद आई रंभा, ये तो बताइए। ये तो वही ड्रेस है जो रूपा रूपा उसका नाम क्यों ले रहे थे? दरअसल मैं अपने वार्डरोब में कोई इंपॉर्टेंट फाइल निकालने आया था, देखा तो रूपा के कपड़े पड़े हुए अंदर। परेशान आ चुका हूं सर, किस में बात? और मुझसे तो प्यार है ना? तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे कमरे में बिना नॉक किए कोई भी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मुझ में सारे कांटे लगे हैं। क्या हुआ मेरे काम का, कुछ पता चला? हाँ, उसका पता चल गया है। 5 साल बाद वो इंडिया आ रहा है और आज ही आ रहा है। देविका, सब ठीक तो है? परेशान लग रही है? बाबूजी, उसका पता चल गया है और आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे। हाँ, पर संभल कर,
कैसी आवाज है? तुम्हें पता है कि मैं कितना बड़ा फैशन डिजाइनर हूँ और यहाँ पर अपनी कलेक्शन के लिए आया हूँ। सो यू शू शू यू लाइक रियली। ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, कौन है आप? अरे इन्हें हमने बुलाया है। वो क्या है ना, मोहिनी जी की शादी का जोड़ा जल गया था तो बहुत ही बड़ा अपशगुन था, तो ये आए हैं बहुत सारे जोड़े के ऑप्शन लेकर आए हैं। वो शहर में ना इनकी बहुत ही बड़ी दुकान है, डिजाइनर स्टोर है इनकी। वो जो फिल्मों में हीरोइनियां होती है ना, उन सब ने अपनी शादी का जोड़ा इन्हीं से बनवाया है। So come on. मोहिनी जी, दिखाओ अपनी कलेक्शन। Yes, please show. Come, please come. चलिए 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 ना दादाजी। रूपा जी, आपकी शादी का जोड़ा भी ना मैं इसी डिजाइनर से बनवाऊंगा। इस उल्लू से बात करनी ही पड़ेगी, मजबूरी है। चाहिए, कैसे होगी शादी? आप तो अपने दिल की कोई बात हमें बताते ही नहीं। बताइए ना चंगू जी, क्या क्या था आपकी दीदी ने उस बार के साथ? रीना कुछ गलती की थी, मेरी बहन ने सिर्फ उसको सजा दी बस। अच्छा, तो सजा आपकी दीदी ने अकेले दी थी या कोई और भी था उनके साथ? इस परिवार के लोग भी शामिल थे। एक तो गया, वो कौन कौन है बोलिए। रूपा दी, चलो हमारे साथ। अब बेटा, हम बात कर रहे हैं ना, इसीलिए अभी बाद में। हाँ चलो। कोई तो है जिसे हम पर शक हो गया है, क्या वो ये भी जानता है कि हम रूपा नहीं पारो हैं? हाँ वो पारो ही है, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। इच्छाधारी नागिन, इसका मतलब पारो। बुलबुल बेटा, बेटा सुनो ना। अच्छा बताइए क्या हो गया? मैंने कहा था आपको कि मैं नहीं चाहती मोहिनी आंटी के साथ पापा की शादी हो, और आप तो उनके लिए ये सब कर रही हो। नहीं बेटा, हम जो कर रहे हैं वो मोहिनी के लिए नहीं, आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, वो जो मॉडल्स आने वाली है ना, वो मॉडल्स नहीं दुल्हने हैं। शादी वाले वेबसाइट से हमने उन्हें ढूंढ कर निकाला है। जो कोई भी आपके पापा को पसंद आ गई ना, तो हम उसी से उनकी झट मंगनी पट ब्याह करवा देंगे, सब ठीक कर देंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आप... हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। अब चलिए चलिए जल्दी, बहुत ही मजा आएगा। कोई तो है जिसे हम पर शक हो गया है, क्या वो ये भी जानता है कि हम रूपा नहीं पारो हैं? हाँ वो पारो ही है, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। इच्छाधारी नागिन, इसका मतलब पारो। खराब हो गया क्या? शादी वाला घर और तुम्हें ये नौटंकी? नौटंकी नहीं है, अच्छी लड़कियां हैं, अच्छे घर से हैं। अब ये वाली देख लो, बी काम की हुई है, कुश्ती में गोल्ड मेडल भी हासिल की है और खाना बनाना भी जानती है। देखो तुम्हारे लिए लेकर आई है। दो दो, मैंने बनाया है अपने हाथों से, लीजिए ना। हाँ खिलाओ।
ये सब क्या चल रहा है माँ? थैंक यू, हम समोसा नहीं खाते हैं। खाना तो नौकर भी बना देंगे, बीवी तो वो अच्छी जो पति की सेवा करे और बड़ों का आदर करे। और ये तो दिन में 5 बार पूजा करती है, बड़े से बड़े भक्त भी इसके सामने फैल हैं। हाँ तो मुझे क्यों बता रही हो ये सब तुम? क्योंकि अभी भी समय है, देखो जीवन में शादी तुमको बस एक बार ही करनी है, अभी करनी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अरे पर अच्छे से देख तो लो। कम ऑन दीपक, कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, आ जाओ। हाँ ले जाइए इसे। पता नहीं बहुत स्ट्रेस से कैसे होगा, आई रियली डोंट नो। रुको तुम, हुआ क्या है? शो स्टॉपर वो नहीं आई। ओ माई गॉड, ओ एम जी, मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरा शो खराब हो जाएगा। रूपा यू गेट रेडी, जल्दी से शादी के जोड़े में तैयार हो जाओ, आखिरी वक्त तुम करोगी। हम ठीक है, हम पहन लेंगे। कोई तो है जिसे हम पर शक हो गया है, क्या वो ये भी जानता है कि हम रूपा नहीं पारो हैं? हाँ वो पारो ही है, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। इच्छाधारी नागिन, इसका मतलब पारो। कोई तो है जिसे हम पर शक हो गया है, क्या वो ये भी जानता है कि हम रूपा नहीं पारो हैं? हाँ वो पारो ही है, उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा ना। इच्छाधारी नागिन, इसका मतलब पारो।